ये क्या है, क्या है ये? बिल है, वो तो दिख रहा है। इतनी महंगी शॉपिंग, 15,000 की शॉपिंग करके आया ये? पापा कहाँ महंगी है, 1,100 रुपए की जीन्स महंगी नहीं है? अरे हमारे टाइम पर 20 रुपए की पेंट आती थी, कभी कभी तो हम भाई से मांग ले, कभी कभी पड़ोसी से मांग लेते थे। वो टाइम अलग था, अब जमाना बदल गया है। लेकिन तेरे माँ बाप तो वही है, गरीब के गरीब। 1,100 रुपए की जीन्स इतने में 30-40 रुमाल आ जाते। उन 40 रुमालों की सिलाई भी कर दोगे ना तो एक जीन्स नहीं बनेगी। इसको समझाओ। बेटा पढ़ाई छोड़कर कहाँ सिलाई करने बैठेगा? अरे खर्चे रोकने के लिए बोल रहा हूँ, दुकान डालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 2,000 की शर्ट पापा डीजल की है। कितना देती है? नहीं, डीजल मतलब कंपनी डीजल है, गाड़ी में डलवाने वाला डीजल नहीं। ये शर्ट ना तू वापस कर दे, वरना मैं इसमें सचमुच का डीजल डालकर अभी आग लगा दूंगा। ऐसे कैसे वापस कर दूं? और ये पेमेंट किस कार्ड से किया है? आपके कार्ड से? तुम बच्चे ना माँ बाप को बहुत बेवकूफ बनाते हो। ये मुझसे बोल के ले गया कि जरा सी शॉपिंग करनी है। ये जरा सी शॉपिंग? मैंने बोला था जरा से ही शॉपिंग करनी है। वो क्या है, कपड़ों का ब्रांड है, वहीं से तो जूते लिए। 3,500 का जूता? पापा मेरा वाला जूता फट गया है, उसमें से अंगूठे दिखने लग गया है। एक बार मुझे बोलता, रोज मोची आता है घर के नीचे। कब? मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि तुझे ना 12-12 बजे उठने की आदत है। अगर सफलता चाहिए ना तो 6 बजे उठना सीखो। तुमने 6 बजे उठकर कौन सा साम्राज्य खड़ा कर दिया है? चुप बैठी रहो, तुम्हें मोची की आवाज नहीं आती? मुझे तो सिर्फ तुम्हारी आवाज आती है। चाय बना दो, पकोड़े बना दो, अरे किचन में खजा डाल दो ना मेरे लिए। ये जो तुम्हारी सैंडल है ना, उसी मोची ने ठीक करी है। इसे बताओ कितनी अच्छी तरीके से करी है। बहुत बेकार बेटा, लंगड़े कुत्तिया की तरह चल रही हूँ। अरे तुम मुझे बोल देती फिर रफू करवा देता। फू रफू, अरे इंसान हूँ या ब्लाउज, कुछ नया ला कर नहीं दे सकते? तुम और मैं बाद में बात करेंगे इस पर, एक बार इससे निपट लूं। 800 रुपए का कच्छा, एक क्या नवाबी शौक है। पापा मस्त इलास्टिक वाला अंडरवियर है, तुझे गुलेल बनानी है, काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत साल चलेगा। तू पाता है या चिमनी का धुआं फेंकता है? अपनी माँ से पूछो, मेरे लिए 40 रुपए के कच्छे लाती है मंगल बाजार से। नहीं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके अंडरवियर मम्मी क्यों खरीदती है? वो हमारा निजी मामला है। तुम्हारा कच्चा तुम्हारा निजी मामला है, हमारा नहीं। अरे तुम कहाँ नहीं कहानी लेकर बैठ गई हो, पहले मुझे इससे बात करने दो। हाँ भाई, और कहाँ लूट मचाई है? 700 रुपए का हेयर कट। पापा मैं सिर्फ दाढ़ी ट्रिम करवाने गया था, नाई ने बोला कि बाल कटवा लो। मैंने कहा ठीक है। तेरा बाप इतने टाइम से बोल रहा है, अपने बाप की तो एक नहीं सुनी, एक नाई की बातों में आ गया। उसका नजरिया अलग है, आपके पास किलस है। मैं नहीं किलसता तेरे बालों से। हमें तो एक बेटी चाहिए थी जिसकी कमी तूने पूरी कर दी। क्या मतलब हुआ इसका? 700 रुपए ये? बालों में कुछ फर्क तो नहीं दिख रहा बेटा? मम्मी ट्रिम करवाए हैं, बस थोड़ी सी स्टाइल करवाई। किस बात की स्टाइलिंग, घूम फिर कर तुमने लफंगा गिरी करनी है स्कूटी पर? मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लड़के के लक्षण खराब है। अच्छा जी, कुछ गलत करे तो मेरा लड़का, मेरा अकेले का नहीं है, तुम्हारा भी योगदान है इसमें। मैं कड़ी निंदा करता हूँ इसकी। अरे ऐसा क्या किया है मैंने, सिर्फ बाल ही तो कटवाए हैं, इतने में 20-30 रुमाल आ जाते हैं। इनको जुकाम तो नहीं है? कब से रुमाल रुमाल कर रहे हैं। आपने तैमूर को देखा है, कितना छोटा है लेकिन एकदम टिप टॉप रहता है, क्योंकि उसका बाप पटौती खानदान से है और तेरा बाप कटौती खानदान से है। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। हम तो टॉवेल ओढ़कर सोते हैं। तुम बोल तो ऐसे रहे हो कि जैसे तुम रजवाड़ों के खानदान से हो। सब बहुत बढ़िया नौकरी कर रहे हैं मेरे मायके में। तुझे पता है अमेरिका वाली मौसी का लड़का बहुत बड़ी कंपनी में गाड़ी चलाता है। वही काम वो यहाँ करता तो उसको ड्राइवर बुलाते हैं। ड्राइवर नहीं, रेसिस्ट है वो। रेसिस्ट नहीं, रेसर। बेटा पता है वो नाश्ते में ब्रोकली खाते हैं। घटिया लोग, ब्रोकली कह रही हो? चलो ठीक है, कुछ तो सस्ता लिया है तूने, 100 रुपए का। क्या लिया है 100 रुपए का? पार्किंग। पार्किंग? हाँ पार्किंग। अरे ये 3-4 मुस्टंडे किराए पर लिए थे स्कूटी की देखभाल करने के लिए, अंडरग्राउंड पार्किंग थी, 100 रुपए की अंडरग्राउंड पार्किंग। अरे क्या पाताल में खड़ी करी थी गाड़ी? दिस इज इनोख, इनफ, थप्पड़ खा लेगा। और क्या लिया है? 8,000 की साड़ी, रणवीर सिंह जैसे शौक चढ़े हैं इसको। इतनी महंगी साड़ी किसके लिए ली? जरूर अपने दोस्त के लिए ली होगी। मैंने कोई साड़ी नहीं ली है, मैं कुछ नहीं जानता, ये सारी की सारी चीजें वापस कर गया। नहीं हो सकती, अब मेरा कार्ड दे अभी के अभी। मेरे पास नहीं है, झूठ मत बोल, कार्ड दे। मेरे पास नहीं है, मैंने मम्मी को दिया था, सुबह मार्केट जाने वाली थी। देखा अपने लड़की को 8,000 रुपए की साड़ी। आठ हजार रुपए की साड़ी। चाय पियोगे, पकोड़े भी बना देती हूँ। इतने में 400-500 रुमाल आ जाते हैं।